एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। सॉरी इंट्रो नहीं है क्योंकि गलती से मुझसे इंट्रोडक्शन डिलीट हो गया। सो आज का वीडियो होने वाला है ऑन कर्ड फेशियल फॉर ईद। स्टार्टिंग में मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 टेबल स्पून ऑफ मिल्क एंड दिस विल एक्ट एज अ क्लेंजर। तो हम सबको पता है कि फेशियल करने से पहले फर्स्ट स्टेप होता है क्लेंजिंग, तो मिल्क एक्ट्स एज अ नेचुरल क्लेंजर। एंड मैं यहाँ पे सिर्फ मिल्क को, रॉ मिल्क है ये, ठंडा मिल्क है, इसको मैं नॉर्मली अपने फेस पे थोड़ा सा रब कर रही हूँ, थोड़ा सा मसाज कर रही हूँ। एंड हो सकता है ये थोड़ा सा स्टिकी फील हो, बट देन इसे बस हमारे फेस पे हमें मसाज करना है इस तरीके से, एंड सारा का सारा डर्ट अभी थोड़े टाइम में निकल आएगा। सो क्लेंजर यूज़ करने के बाद जिस तरीके से हम वेट कॉटन पैड के साथ फेस को हम थोड़ा सा वाइप करते हैं, उसी तरीके से वाइप करना है। नाउ इससे पहले मैंने फेस वॉश किया था इसलिए इतना ज़्यादा डर्ट नहीं निकल रहा है, बट देन अगर आपने बिना फेस वॉश किए मिल्क लगाया और उसके बाद वाइप किया तो डेफिनेटली काफ़ी सारा डर्ट निकलेगा। उसके बाद मैं ले रही हूँ नेस्ले मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर मैंने लिया है 1/2 टेबल स्पून। उसके बाद मैं थोड़ा सा, लेकिन 1 टीस्पून से भी कम कर्ड ऐड करी, उसके बाद मैं मिक्स करूँगी। मेक श्योर कि ये मिक्सचर आप फ्रेश बनाओ, स्टोर करके ना रखो, वरना ये मिल्क पाउडर डिजॉल्व हो जाएगा। ये वाला स्क्रब जो है बहुत ज़्यादा माइल्ड है क्योंकि मिल्क पाउडर बहुत ही ज़्यादा फाइन होता है, तो ये वाला स्क्रब सेंसिटिव स्किन या फिर बहुत ज़्यादा एक्ने प्रोन स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड डेफिनेटली आप थोड़ा सा हार्श स्क्रब अगर चाहते हो तो आप ब्राउन शुगर या फिर वाइट शुगर को कूट के यूज़ कर सकते हो, डेफिनेटली वो भी बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा। अगर आप बहुत अच्छा ग्लो चाहते हो तो डेफिनेटली इसे 5 to 7 मिनट्स अच्छे तरह से मसाज करो। लास्ट पैक बनाने के लिए मैं ले रही हूँ लगभग 1/2 टेबल स्पून ऑफ कर्ड, एंड ये ठंडा कर्ड है। फेस को ब्राइटन करने के लिए आई एम यूजिंग 5-6 ड्रॉप्स ऑफ लेमन। उसके बाद मैं यूज़ करूँगी बैलेंस मंजरा का ट्री ट्री ऑयल, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आपके जितने भी पिंपल्स है हटा देता है। उसके बाद हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। कर्ड और लेमन का जो मिक्सचर है ये आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा ब्राइट बनाता है, बहुत ज़्यादा फेयर बनाता है, जितना भी टैन है वो सब निकालता है। तो इस फेस मास्क को आपको एटलीस्ट 20 to 25 मिनट्स रखना है, एंड कोई भी स्किन टाइप हो डेफिनेटली ये आपकी स्किन को बिल्कुल हार्म नहीं करेगा क्योंकि ये नेचुरल इन्ग्रीडियंट्स है, तो एटलीस्ट 25 मिनट्स तक तो आपको इसे रखना ही है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में अगर आप इसे ट्राई करो तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।